की मैं अभिनंदन करता हूं, मोदी जी का स्वागत करता हूं। और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना ये मोदी जी की सरकार है, जोरदार तालियां बजाओ माननीय मोदी जी की सरकार के लिए। ये पुरानी सरकार बोलते बोलते करते कुछ नहीं, हर बात में काली दृष्टि निगाह खराब, जिसकी आंखें खराब हो उसको अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे कई और सरकारें भी थी जिनने माननीय मोदी का लाभ उठा करके अपने अपने राज्य में कई विकास के नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भूपेश बघेल की सरकार ने सारे काम बंद कर दिए, जप्पा बंद करके ताला लगा दिया। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा समय जब छत्तीसगढ़ कहां जेल की गति से जाता आगे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है हर चीज में मीन में निकालना, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में अपनी दृष्टि, उनका लाभ कैसे मिले, जनता जाए भाड़ में वो तो अच्छा हुआ परमात्मा की दया से अच्छे अच्छे गणित फेल कर दिए छत्तीसगढ़ की जीत ने। मैं बधाई देना चाहता हूं आपने सारे नेताओं और प्रदेश की जनता को। लोकतंत्र होता ही इसीलिए जो हमारी सेवा करेगा, जो काम करेगा, भाजपा वो काम भी करती है, जनता की सेवा करना भी जानती है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में नए कीर्तिमान बनाए थे, और अब मैं शुभकामना देता हूं हमारे विष्णु भैया के लिए। अरे मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा था कि मध्यप्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है, हमको लगा कि हम जरा बड़ा काम करेंगे, लेकिन बड़े मियाँ तो मलेरिया, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इतना तो हम भी नहीं दे पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों में दिया है। जोरदार ताली बजाओ आज का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, दिल से तारीफ कर रहा हूं। इतनी बड़ी धनराशि दे करके जो आपने महातारी योजना, जो लाडली लक्ष्मी योजना हमने चलाई थी, लाडली बहना योजना चलाई थी, वो पैसा तो दिया ही दिया, ये धान का भी 2 साल का बोनस, और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का, ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी उसकी बजाय पैसा गिर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाय इस पूरे आयोजन के, और ये होना भी चाहिए। हमारे किसान अपने प्राणों की बाजी लगा करके, खून का पसीना करते हुए धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उनको उनका हक का पैसा मिले, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम, और वो भी आज 3 महीने ही हुए, अभी तो तीसरा ही महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर जैसे कहावत है कूद के पांव पालने में दिखाई जाते हैं, तो पालने में दिख गया कि सरकार कितना काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल से पूरी सरकार के लिए, और आप सबसे आह्वान करता हूं राज्य सरकार के आह्वान के आधार पर, काम के आधार पर। हमको मालूम है फिर एक बार 2-4 दिन बचे हैं नरेंद्र मोदी जी की, फिर एक बार अब की बार कदम कदम से धीरे धीरे हमको सब सामने दिखाई दे रहा है। अब कुछ छिपावा नहीं है, और हमारी ड्यूटी तो और बढ़ जाती है मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। हमारा तो 5,000 साल पुराना भगवान कृष्ण से नाता आता है, और 5,000 साल पुराने उस घटनाक्रम को याद करो जिनके कारण से धर्म अधर्म के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपना विराट व्यक्तित्व दिखाते हुए, जैसे मोदी जी की सरकार अपने कामों के आधार पर अभी तक की सारी सरकारों पर भारी पड़ते हुए जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, और जो अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वो भूल सकता 22 जनवरी का दिन, बोलो जय श्री राम, कोई भूल सकता है क्या? हमारे 500 साल के पुराने संघर्ष के बलबूते पर एक हिंदू समाज ने बड़ी लड़ाई योग के तरीके से न्यायालय लड़ाई करते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करी,
ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी हमारा तो बड़ा मन था, शिलान्यास पे बुलाया, लेकिन ये तो वो लोग थे जिन्होंने भगवान राम के उस जन्म स्थान पे प्रश्न उठाए, भगवान के जन्म पे प्रश्न उठाए, हिंदुओं को लगातार अपमानित किया और अपमानित करने की उनने सारी सीमा को तब तोड़ दी जब शिलान्यास के बाद लोकार्पण का मौका मिला। अरे भैया, हम सब भारतीय सनातन संस्कृति के मानने वाले, हम सब सबको प्रणाम करते हैं। हमारा किसान तो इतना उदार है कि अपने खेत की खड़ी फसल में कोई पड़ोस से भी जाए और दो डाल कुछ सामान लेना चाहे तो पैसे नहीं लेता, उसको सम्मान से खाने पीने दे देता है। हमने तो केवल निमंत्रण में बुलाया था। वो राम मंदिर जिसके लिए हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन भगवान के राम की प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी बुलाया था कांग्रेस वालों को कि आपके सारे पाप माफ, कोई बात नहीं, अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अब तो आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, और देखो बेसमी की हद, आने का निमंत्रण किसी को भी दो तो वो आए नहीं आए, मुंह पे तो मना नहीं करता, ठुकराता तो नहीं है, लेकिन ये अभागे भगवान राम का निमंत्रण भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे समाचार दे करके कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना दुर्भाग्य है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे? अरे जनता जानती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जनता होती है। आपने उनका अपमान किया है, जनता माफ नहीं करेगी। अब जनता आपको ठुकरा करके वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारी सरकार बनती तो बाबा महाकाल का महालोक बनता है, हमारी सरकार बनती है तो केदारनाथ में आनंद आता है, हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या से अरब तक भगवान के मंदिर के शिखर आसमान से बात करते हैं, हमारी सरकार बनती तो बाबा महादेव का बनारस धाम चमचमाता है। और अब तो तीसरी बार सरकार बनेगी, हमने कहा है कि ये सरकार बनेगी आने वाले समय में, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है, हम सब याद करेंगे, अयोध्या को भूलने वाले नहीं है। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, आप और हम सब मिलेंगे, हमारे आराध्य को कैसे भूल सकते हैं। अब की बात तो ये सुदर्शन चक्र में भगवान ने अपनी उंगली का टेका लगा करके धर्म युद्ध में फैसला किया था, आप सबसे आह्वान करता हूँ अपनी उंगली बचा के चलना, यही उंगली कमाल करेगी मोदी जी को बुलाने के लिए। इधर आपने सुदर्शन चक्र चलाया बट मशीन के ऊपर बटन दबाया, और आने वाले समय में धराशायी करते हुए विश्व में भारत का नाम जय जयकार से गूंजेगा। जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए, आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म की जय जयकार के लिए, समूची मानवता के लिए, सरकारों के सुशासन के मार्ग पे चलने के लिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए, और स्वामी विवेकानंद की जो 100 साल पहले की घोषणा है 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर वन का राज्य बनेगा, नंबर वन का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाए माननीय मोदी जी के लिए। और आज के इस अवसर पर मैं हृदय से आभार मानता हूँ, छत्तीसगढ़ के बुलावे पे आया हूँ और प्रेम से आया हूँ। जब जब आप बुलाओगे, सदैव आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे हाजिर रहूंगा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोनों राज्य नंबर वन नंबर टू की स्थिति में जाए, ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।